से इस पतंग को अलग कर दे। तेरी चाची तेरे आगे मिन्नत करती है। ओ भाई संभल के। तुम ठीक हो? हाँ जी नो, लेकिन झटका बड़ा और गलत है। मेरी मदद करो, कुछ तो करो, गुल्लू। अभी मुझे लगता है उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। पहले हमें इनका दर्द कम करना चाहिए। रुखसार, तुम भी कुछ सोचो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भाभी ये हल्दी वाला दूध है, इन्हें पिला दीजिए, शायद इनका दर्द कम हो जाए। रुखसार, तुम्हारे हाथों में बड़ी शिफा है, तुम ही पिला दो। जी। अम्मी। ठीक से मर भी नहीं सकते। मेरे गुल्लू को रुखसार। बेगम चक्कर आ रहे हैं। तो गिर जाओ। भाभी लगता है ये सो गया है, इसे अंदर ले जाना चाहिए, आराम कराना चाहिए। अरे जावेद भाई, सलीम भाई, जरा हाथ धो। चलो उठा लो, उठा लो। आका मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है, मुझे ही बाहर नहीं जाना चाहिए था। जिनू इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, फंगोटी का जिन बहुत ताकतवर है, हम ज्यादा देर तक उससे छुप नहीं सकते। हाँ आका, हम कर भी क्या सकते हैं। जिनू, अगर दुश्मन से छुप ना सको तो बाहर निकलकर उस पर हमला करना ही समझदारी होगी। मतलब ये जिनू की अंगूठी के जिनको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इससे पहले कि वो तुम्हें कैद करे हमें उसे कैद करना होगा। किस्मतों का नूर है, हाथ में अंगूर है, साथ में लंगूर है। खामोश। क्या हो गया तुम्हारी जादुई ताकत को?
और वो तुम्हारी पतंग से कटी गई। अगर तुम उस जिन को अपने काबू में कर नहीं सकते तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ी भूल कर दी तुम्हें आजाद करके। तुम्हारी जगह उन मीनारों की गुमनामियों में ही है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अंगूठी के जिन को कैद करोगे? ऊपर वाले, क्यों तुमने मेरे आका को पागल कर दिया? कबूतर भले कितना भी मोटा हो जाए लेकिन वो बाज का शिकार नहीं कर सकता आका। वो कोई मामूली जिन नहीं, अंगूठी का जिन है, बहुत ताकतवर है, हमसे कैद नहीं कर सकते। इसलिए तो हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनू, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उसे पकड़ने के लिए। हमें उसी कमजोरी को ढूंढना होगा, उसकी कोई ऐसी कमजोरी तो जरूर होगी। सोचो जीनू, सोचो, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा उसे पकड़ने का। सोचो मेरे भाई, सोचो, अपना दिमाग चलाओ जीनू, सोचो। अंगूठी के जिन को रोकने का तरीका, अंगूठी के जिन की कमजोरी, अंगूठी के जिन की, अंगूठी के जिन की क्या कमजोरी हो सकती है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अंगूठी के जिन की कमजोरी तो अंगूठी का जिन है। मिर्ची का हलवा आका, हम मिर्ची का हलवा बनाएंगे। जिनू यहाँ जान पर बनाई है और तुम्हें मिर्ची के हलवे की पड़ी है पेटू कहीं के। नहीं आका, ये कोई मामूली हलवा नहीं, ये मिर्ची का हलवा है, जाल है जाल। क्योंकि कोई भी जिन मिर्ची के हलवे को देख के मुंह नहीं फेर सकता, और उस पे भी अगर मेरा जादू हो तो बिल्कुल नहीं। मिर्ची का हलवा सुन के अजीब लग रहा है। वो इसलिए आका क्योंकि तुम इंसान हो, लेकिन हम जिन लोगों के लिए मिर्ची का हलवा बड़ा लजीज होता है आका। तो ठीक है जिनू, तुम मिर्ची का हलवा बनाओ और उसका लालच देकर हम अंगूठी के जिन को यहाँ बुलाएंगे। आका, आका, वो अंगूठी का जिन, वो अगर यहाँ आएगा तो छोटे बच्चे की तरह तुम्हारी गोदी में बैठ के अले वाला दी चाचू क्या हलवा बनाया है कहके चला नहीं जाएगा, वो मुझे भी साथ लेके जाएगा। जिनू मेरे भाई, तुम मिर्ची का हलवा बनाओ, अंगूठी के जिनको कैद करने का रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। चलो अब चलो। मेरी जादुई पतंग का दाव आज तक उल्टा नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार तुम हार चुके हो और हमें तुम्हारी यह हार बर्दाश्त नहीं है। शायद मैंने जादुई चिराग के जिन को कमजोर समझ गया, शायद वो इतना भी कमजोर नहीं है। शायद इतना सब होने के बावजूद शायद आका, आका, मैं सिर्फ आधा नाकाम हुआ हूं, आधा। तिलिस्मी पतंग अब भी उस जिन के इलाके में है। कोई भी तो क्या हुआ, तिलिस्मी पतंग जहां भी हो, जिस हाल में हो, उसकी जादुई ताकत मुझे अपने पास बुला ही लेगी। और एक बार मैं उस इलाके में पहुंच गया, उसके बाद मैं इतनी तबाही मचा दूंगा, इतनी तबाही मचा दूंगा कि उस चिराग के जिन को मेरे सामने आना ही पड़ेगा। तुम लोगों
कह रहे हो करके दिखाओ, जाओ और उस चिन्ह को पकड़ कर ले आओ, वरना अंगूठी अंगूठी जिन्न पकड़ना है। लड़ले तेरे दिमाग के डार पर जिन्नों की कहानियों के कबूतर कब से बैठने लगे? असल जिंदगी में जिन्न नहीं होते। चाचा आपको ना मेरी बातों पे यकीन नहीं होता। वाह वाह लड़ले, जिस तजुर्बे के पत्थर को मैं 10 दिन से फेंक रहा था तेरी वजह से आज सही निशाने पे लग गया। तब तो इस बात का मुझे इनाम मिलना चाहिए। लड़ले मैं जिन्नों की कहानी पर यकीन नहीं करता, लेकिन हाँ अगर तू यकीन करता है तो ये ले, मेरा पूरा दरबार तेरे लिए खुला है। अपनी कोशिश की गुलेल के लिए मेरे इजाद का जो भी पत्थर तुझे पसंद आए चुन ले, चुन ले, चुन ले। बेटे की तंदुरुस्त को दवा और कचड़े को हवा कौन देता है? तेरा चाचा और कौन? ये हवा फेंकता है? इतना नहीं लाडले, ये हवा और हवा के साथ साथ कीड़े मच्छरों को भी खींच लेता है ऐसे। ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्या ये वो शैतान जिनको भी खींच सकता है? लाडले बेबुनियाद की कहानी पर यकीन मत कर, ये डब्बा ले जा और जाकर मच्छर पकड़। ठीक है चाचा, वैसे बहुत बड़ा मच्छर पकड़ना है इसलिए आपको ये डब्बा ले जा रहा हूँ। शुक्रिया चाचा। अभी तक तिलिस्मी पतंग का कोई इशारा क्यों नहीं आया? इतनी देर क्यों लग रही है? जादुई चिराग की जिन तेरी वजह से मुझे उस लंगूर जैसे आका के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। एक बार तू मेरे हाथ लग जा, उसके बाद मैं तुझे इस सेब की तरह कच्चा चबा जाऊंगा। कच्चा लो मेरा बच्चा। मेरे चांद को ग्रैंड लग गया। मेरा लग दे जिगर, मेरे जिगर का। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया पूरा बगदाद मेरे बच्चे के हुस्न से जलता है। तभी तो किसी कमबख्त ने मेरे बच्चे में काला जादू फूंक दिया। ओ शिया, खबरदार, रास्ता छोड़ दीजिए। रुस्तमे बगदाद तशरीफ ला रहे हैं। नहीं ले आए इनसे मिलिए रुस्तमे गिलहरी जो मेरे गले पड़ी है। आगे हाथ हिलाते हाँ, कहा था ना मेरे गुल्लू के लिए इलाज लाना। बेगम 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 चुप हो जाओ, गली के बच्चे डर जाएंगे। मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है, ये देखो। ये इलाज है? हाँ? ये इलाज है? जाहिल इंसान, मेरा बच्चा वैसे ही दर्द के मारे तड़प रहा है। और तुम उसे मारना चाहते हो? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आज तो बेवा होके रहेगी राजे। भैंस का मुंह कभी बंद ही नहीं होता। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं बेगम, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ।
मैं अभी इस पतंग को गुल्लू के बदन से अलग करता हूँ। बगदाद किसी काम का नहीं है ये आदमी। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, जाहिल इंसान। अफसोस रुस्तम बगदाद नहीं रहे। कहाँ चल दिए मियाँ, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी। जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना है, मिर्ची का हलवा भी पकाना है। मिर्ची का हलवा सोच के ही मिर्ची लग जाती है। वरना तुम क्या मुझे डराओगी? वो क्या है ना, बच्चों के लिए एक बार डर जाओ तो वो दोबारा नहीं डराते, है ना? सोच लो, क्योंकि हम वो हैं जो तुम्हारा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। मतलब ये कि हम तुम्हें शहजादी से मिला सकते हैं। मैं मुझे शहजादी से मिलवाओगी? तुम सच में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? सुनो ना, जाओ ना, जाओ अपना काम करो और सुनो मुझे भी करने दो। बदतमीज इंसान हो तुम, तुम भूल गए हो कि हमारी पहचान कितनी ऊपर तक है। हमें तो लगता है कि तुम्हें शहजादी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बस बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। मछली में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? चली, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा, तुम्हें जो चाहिए मैं वो लाके दूंगा, बस मुझे एक बार शहजादी से मिलवा दो। तुम्हें हीरे चाहिए मैं तुम्हें हीरे लाके दूंगा, चुरा के लाऊंगा लेकिन लाके दूंगा। तुम्हें मोती चाहिए मैं मोती मिला के दूंगा, लेकिन शहजादी से मिलवा दो। हमें इन सब से कुछ नहीं चाहिए अलग। हाँ, लेकिन अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो हमारे हाथों से अभी इसी वक्त, ये मिर्ची खा के दिखाओ। क्या तुमने मुझे यहां पर यह बताने के लिए बुलाया है कि काला चोर तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया? तुमने मिस्र की ये मुहिम रखी इसलिए थी ताकि तुम काले चोर को पकड़ सको, और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि काला चोर तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गया? कैसे? तुम्हारा दोस्त नाकामयाब रहा उमर, काले चोर और उसके साथियों के सामने वो कमजोर पड़ गया।
उस खबीस ने हमें घायल कर दिया, लेकिन हर वक्त हमारे जहन में एक ही ख्याल था, उमर के लिए इंसाफ, उमर के लिए इंसाफ। लेकिन वो काला चोर, उसके मंसूबे, उसकी छले, आ गया हमें उमर। पूरा वक्त एक ही ख्याल, मीर उमर, मीर उमर। हार नहीं मानी दोस्त। बस मेरे दोस्त बस, मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं जब भी काले चोर के बारे में सोचता हूँ अपना आपा खो बैठता हूँ। बस उसी गुस्से में तुमसे ये सवाल कर बैठा जिसे पूछने का मुझे कोई हक नहीं है। ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। तुम अकेले वहां मेरे लिए लड़ते रहे और मैंने तुम्हें खतरे में जाने दिया। मैं इतना खुद गर्ज कब से हो गया? मुझे माफ कर दो सफर। नहीं उमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वहां हमारे साथ जाना तुम्हारे लिए खतरा था। अगर तुम्हें कोई वहां पहचान लेता तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी भर जाता। लेकिन वो काला चोर बख्तात का दुश्मन है, हमारे दोस्त का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। बस सफर बस, उस काले चोर की फिक्र तुम छोड़ दो। मैं वादा करता हूं मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगा। अब वो नहीं बच सकता। हमला जब चारों तरफ से हो तो काला चोर बचेगा कैसे उमर? या तो उसे तुम मारोगे या तो उसे हमारे दोनों जिन मारेंगे। बस एक मर्तबा वो दोनों जिन हमारे काबू में आ जाएं तो इस पूरी कायनात पर